सो गए, जैसे आप पबजी लाइट को यहाँ पे गेम प्ले करते हो, गेम प्ले करने के बाद अगर आपका भी यहाँ पे क्रैश प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, गेम प्ले करते करते आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक क्रैश हो जा रहा है, फिर गए जैसे ओपन करते हो फिर से गए आपका वही वाला प्रॉब्लम शो हो रहा है, क्रैश हो जा रहा है, तो आपको गए क्या करना है, इस वीडियो को कम्प्लीट लास्ट के वॉच कर लेना। उसके बाद गए यहाँ पे जो पबजी लाइट में जो आपका प्रॉब्लम हो रहा है क्रैश वाला, वो 100% यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे गए आप VPN भी यूज कर रहे हो फिर भी गए आपका पबजी लाइट के अंदर क्रैश वाला प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, लैगिंग प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे गाइस मैं आपके लिए बहुत ही मस्त VPN लेके आया हूँ, जो VPN के बारे में गाइस आपको नहीं पता होगा 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। और इस VPN को आपको यूज करने के बाद काफी हद तक यहाँ पे जो आपका क्रैश वाला प्रॉब्लम है सोल्व हो जाएगा। अगर गाइस आप 100% अपना क्रैश वाला प्रॉब्लम सोल्व करना चाह रहे हो तो गाइस पबजी लाइट के अंदर अपडेट आने के बाद ही सोल्व हो पाएगा, लेकिन जैसे इस VPN को आप यूज करते होने तो काफी हद तक आपका जो प्रॉब्लम है सोल्व हो जाएगा, लैगिंग प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइस उस VPN को मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कहाँ से डाउनलोड करना है, पहले गाइस मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज करना है। तो जैसे यहाँ पे ओपन करोगे ने तो आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे गाइस आपको क्या करना है ने? नीचे में आपको क्लिक करना है, उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको सिंगापुर सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि गाइस यहाँ पे सिंगापुर शो हो रहा है ने, तो आपको सिंगापुर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस सिलेक्ट करने के बाद कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको कुछ समय वेट कर लेना है। उसके बाद गए यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, जैसे कि गए यहाँ पे देख से, तो अगर डिसकनेक्ट करना चाहो तो इस पर क्लिक करना है, यहाँ से डिसकनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से फिर से आपको यहाँ पे जो पबजी लाइट है यहाँ पे ओपन करना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसे डाउनलोड कैसे करना है। तो यहाँ पे गई आपको ये जो एप्लीकेशन है जो VPN है आपको प्ले स्टोर के अंदर मिल जाएगा, तो प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ पे प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है SNAP VPN। जैसे SNAP VPN सर्च करोगे देख लो तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ऐसे गए आपको बहुत सारे यहाँ पे VPN देखने को मिल जाएंगे, लेकिन गए आपको यही वाला VPN इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद यहाँ से ओपन कर लेना, उसके बाद जो मैंने आपको सेटिंग बताया वही वाला आप सेटिंग कर लेना, उसके बाद आपका जो पबजी लाइट है आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अगर अभी भी सोल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पबजी लाइट पे 2 सेकंड क्लिक करना है, ऐप इनको वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको स्टोरेज यूजेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्लियर डाटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गए यहाँ से आपको बैक आ जाना है, बैक आने के बाद गए यहाँ पे स्वाइप करके नीचे आना और यहाँ पे गई आपका जो फ्लैट मोड है इसको एक बार ऑन ऑफ कर देना और यहाँ पे गई आप अपना नेट यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कितना MB यहाँ पे दे रहा है। उसके बाद गई यहाँ पे फिर से आपको पबजी लाइट को ओपन करना है, जैसे पबजी लाइट को ओपन करोगे ने तो यहाँ पे जो आपका प्रॉब्लम है 100% फिक्स आउट हो जाने वाला, कोई भी प्रॉब्लम इशू आप देखने को नहीं मिलेंगे। तो फाइनली गई यहाँ पे देख सकते हो पबजी लाइट ओपन हो चुका है, चलिए मैं मैच स्टार्ट करके बताते। तो गई अगर अभी भी आपका प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ तो आपको क्या करना है गाइस कि आप अपना स्टोरेज जा करके एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा अपने मोबाइल का, क्योंकि बहुत सारे बंदे के साथ ऐसा भी होता है कि स्टोरेज खाली नहीं रहता है लेकिन फिर भी वो इस गेम को इंस्टॉल कर लेते हैं, तब गाइस उनके साथ ये प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे गाइस एक बार स्टोरेज जा करके जरूर चेक कर लेना, ऐसे तो गाइस ये प्रॉब्लम आपको 100% सोल्व हो जाएगा। जैसे कि गाइस यहाँ पे देख तो मेरे साथ अब देखने को नहीं मिल रहा है, तो अगर गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना, क्योंकि उनके साथ भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहे होंगे तो वो भी अपने इस वीडियो को देख करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।